वाइल। सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी है अपनी स्ट्रोलर फैमिली में एकदम जगास एंड होप दैट यू ऑल विल बी गुड। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नन्नू की वीडियो बनवाने, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि KTM RC परचेज करी है नन्नू ने, ये चल रहा हमारे बराबर में, तो आज इसकी बाइक की वीडियो बनवाने जा रहे हैं। हालांकि रात होने वाली है, टाइम नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, जल्दी से इसकी वीडियो शूट करवा देते हैं खाली रोड पर जाकर। और इससे मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही स्लो चला रहा है, भाई 40 तो ला 30 पे अटक जाता है, ज़्यादा तेज़ की मैं कह ही नहीं रहा। और ग्लव्स व्लव अभी इसके सब कुछ खरीदवाने हैं, तो जल्दी से जाके हम इसकी वीडियो बनवा देते हैं। मैं अभी आपको इस बाइक को थोड़ा भगा कर दिखाऊंगा कि कैसी है भगने में, और उसके बाद हम जाएंगे हेलमेट परचेज करने। मज़ा आ रहे हैं बाइक पे, सही चल रही है, सही है। तो वीडियो बनाने आज हैं, चलो तो वीडियो बनाने, आज तेरी वीडियो ही बनवाता हूँ बढ़िया जी। हैं ये नन्नू ने मार दिया गाड़ियों के बीच में से कट, ये आगे जोश में ना आ जाए बस। अबे यार कितना ट्रैफिक है आज, इसकी वीडियो में रात ना हो जाए, हमें जल्दी से पहुंचना होगा, यहीं कहीं कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। A few moments later. तो दोस्तों ये रही KTM RC 200, इस पर इसने बाइक ली थी नन्नू ने, अनुभव नाम है इसका वैसे, तो हम नन्नू बोलते हैं तो नन्नू ही बोलेंगे आगे भी। तो इस पर इन्हें टेपिंग कराई थी थोड़ी ब्लैक में, तो काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है अभी इस बाइक की। और एक ये टैंक पैड लगवाया था, टैंक पैड और एक ये स्लाइडर्स लगवाए थे, फ्रेम स्लाइडर्स, बाकी कुछ काम नहीं करा अभी इसमें। और ये देखो आपके सामने बाइक कैसी लग रही है, तो चलो चलते हैं वीडियो बनाते हैं इस बाइक पर। भाई लोग ट्रिपलिंग करते हुए, एक स्प्लेंडर पे हवा भी नहीं है टायर में इनके, और ये देखो कैसे चिल मार रहे हैं, ये देखो ये लगता नशे में है तीनों, ये देखो देखो। तो ये देखो, और ये कुछ कांड करेंगे मेरे को लग रहा है ऐसा, ये देखो देखो इधर चलते हैं पहले। तो सही है, गली में चले गए, नहीं रोड पे आते, या तो ये ढेर हो जाते, किसी दूसरे को ढेर कर देते। तो अभी नन्नू है, ये मेरी बाइक चला रहा है। तो यहाँ पर भी यार रोड पर पता नहीं अब यहाँ क्या काम शुरू कर दिया इन्होंने, यहाँ भी जाम लगना शुरू हो गया। तो आज मैं बस यहाँ नन्नू की वीडियो ही बनवाने आया था, इसके हेलमेट वेलमेट भी चाहिए था, क्योंकि अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो इसको भी एक ऐसा हेलमेट दिलवाना पड़ेगा जिस पर माउंट आसानी से लग जाएगा, वरना पता चला ये कोई बेकार से हेलमेट लिया उस पर माउंट भी नहीं लग रहा। तो इसको बाइक के हिसाब से ऑरेंज कलर का हेलमेट चाहिए मस्त वाला। तो अभी हम हेलमेट देखने जा रहे हैं, अगर मिलता है कोई तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, वरना तो करोल बाग से लेंगे, जहाँ से मैंने अपना हेलमेट परचेज़ किया था वहीं से इसको दिलवाना पड़ेगा। इस बाइक की माइलेज की बात करें तो दोस्तों 30 से 35 की माइलेज है इसकी ऑन रोड, अगर आप नॉर्मल स्पीड में इसको चलाते हो तो 35 की एवरेज कहीं भी नहीं जाती। तो हमने देखा था बाइक में पेट्रोल गिरवा कर कि एवरेज कितनी है, तो 35 आई थी लास्ट, और काफ़ी अच्छी एवरेज है, इतनी तो मेरी बुलेट में भी नहीं आती एवरेज। और अगर आप इसको ज़्यादा ही बेकाबू होकर चलाएँगे तो 30 इतनी रहती है एवरेज, तो फिर भी काफ़ी अच्छी है एवरेज की बात इसकी। तो मेरे को काफ़ी पसंद आई है बाइक 200 सीसी में। मस्त लीन होती है यार बाइक, और भागने में एकदम स्पीड पकड़ लेते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं, मैं आपसे घर पर ही मिलता हूँ सीधा। मीनवाइल तो अभी एक घंटे पहले मैं करीब घर पर आया था, और खाना वाना खा के अब मैं सीधा ऊपर आ गया, और उससे पहले हम गए हुए थे हेलमेट की शॉप पर, और हेलमेट की शॉप पर हमें एक भी हेलमेट पसंद नहीं आया, और
मतलब कब जब वहाँ हम शॉप पर पहुँचे, 3-4 शॉप थी वहाँ हेलमेट्स की। बाकी मैंने उससे पहले कहा था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सीधा करोल बाग जाइए, वहाँ पर एक होलसेल की दुकान है और उसके जो हेलमेट है वो सिंगल पीस भी हेलमेट दे देता है, बाकी सबसे रेट उसके काफ़ी अच्छे होते हैं। जो मेरा हेलमेट था वो सिर्फ 1300 रुपये का था, तो इसलिए मैंने उससे कहा था कि वहाँ से ले आइए। और बाकी अगर आप वो मेरा वाला हेलमेट देखोगे तो मैंने ही देखा था, बल्कि 1900 कुछ का था वो, तो इतने में मेरे को वो मिला था। तो वहाँ पर ही मैंने उससे कहा था जाने के लिए, कभी तो वहाँ पर तो हमें कोई पसंद नहीं आया और ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी, थोड़े बहुत ही हेलमेट थे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं करोल बाग तो कोई हेलमेट वहाँ पर मिलता है। बाकी तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन आ गया होगा, आप यहाँ जाकर वीडियो देख लेना। बाकी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में सब।